मेरे अजीज हम वतनों अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अफजल खान खटक वर्किंग एज प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा। जैसा कि आप सबको मालूम है, करोना वायरस की बीमारी ने सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। जाहिरी बात है, वालिदैन भी अपने बच्चों की सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, मगर वालिदैन को बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। इस बीमारी के असरात कुदरती तौर पर बच्चों में बहुत मामूली नौईयत के होते हैं, जैसे कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, कह और दस्त वगैरह। अलबत्ता ये बच्चा पूरी अपने पूरे ख़ानदान के लिए इस वायरस के फैलाव का ज़रिया बन सकता है, इसलिए एहतियात एहतियात और सिर्फ एहतियात करना बहुत लाजमी है, जिसमें हमें चाहिए कि अपने घरों तक महदूद रहें, बच्चों को बाहर घूमने फिरने और खेलने ना दें, बच्चों को चेहरे और माथे पे ना छूमें, घर में मुनासिब ग़िज़ा खिलाएं, बाज़ारी अशिया, बेकरी का सामान, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और पैकेट्स के सामान से परहेज़ करें। और आखिर में मैं ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ आप सबको कि बहुत जल्द हमारे पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के सीनियर डॉक्टर हजरात आपके दरमियान बज़रिया टेलीफोन या इंटरनेट मौजूद होंगे और आप सब लोग इस सर्विस से मुस्तफीद हो सकते हैं और बच्चों की सेहत और बीमारी के बारे में इन हजरात से राबता कर सकते हैं। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक इस मौजी मरज से हम सबको निजात दिलाए। आमीन सुम्मा आमीन।